जांजगीर चांपा के निर्माणाधीन खोखसा ओवर ब्रिज हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, जिनमें से 10 साल के निर्माण कार्य का कार्य किया जा रहा है। इस ब्रिज के कार्य के लिए कई ठेका कंपनियां बदली गई। वर्तमान में ब्रिज के अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए सिंटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को 8 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। काम करने वाले स्थानीय लेबरों को 50 फीट ऊपर ब्रिज पर चढ़ाकर काम कराया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की सेफ्टी किट नहीं देने दी गई। वहीं मजदूरों को मानक रेट पर मजदूरी भी नहीं देने की बात सामने आई है। जिस प्रकार जिला लेबर कमिश्नर श्याम पानीग्राही द्वारा कंपनी के ऊपर तत्काल कार्यवाही करने की बात कही है और इसके मजदूरों को उचित मानदेय दिलाने की सेफ्टी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी आश्वासन दिया गया है। स्किल लोगों का 450 का रेट है, सेमी स्किल्ड का, सेमी स्किल का 350 रुपया दे रहे हैं, और अनस्किल्ड का, अनस्किल का 350 दे रहे हैं, असली सेमी स्किल का 470 रुपए, 500-550 सब स्किल लेवर का है। उनका कहना है कि हम 290 रुपए ही देते हैं, ऐसा ही है। लेबर लोगों को 10 आदमी 10 तरह बोले गए, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इशू बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो काम चल रहा है, जो बिल बन रहा है, उसपे जो श्रमिक काम कर रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, साथ ही मानदाना कम दिया जा रहा है। इसी पे संज्ञान लेते हुए हम इंस्पेक्टर को भेजना है तत्काल कार्रवाई करने के लिए। जो सेफ्टी मेजर्स और श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे इस पर अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो, और हर सवाल श्रमिकों के मानदानों के मामले का जो न्यूनतम वेतन है उनके आधार पर भुगतान होना स्वाभाविक सी बात है, उसके आधार पर भुगतान करना पड़ेगा या अनिवार्य है।